Hello and welcome, my lovely stars and my angels. This is Inspector VD. I welcome you all at Adda 247, India's number one YouTube channel. Kaise ho aap log, friends? Sare, I'm sorry, I got half an hour late due to some technical glitch, but it's okay. Aur aaj main aap logon ke samne fir le aaya hoon apne kuch vocabulary ke words, taki aap log ye vocabulary ke words jo hain, aap hamesha inko karte rahein aur apne vocab ko improve karte rahein, theek hai? Aur kuch ek उसके बाद हम कुछ आज जो आप लोगों का एडिटोरियल पोर्शन है उसमें से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज हम आपके सामने रख देंगे, राइट गाइज? तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, सूरज कश्यप, अश्विनी, खुशी शर्मा एंड इज देयर, एंड यू कैन से, और मेरे पास आ गए हैं अभी जेता सरकार इज देयर, सिमी कौर इज देयर, राइट? चलिए, दीपांजलि अग्रवाल इज देयर. वेल, कैसे हो आप लोग सभी? सुबह का जो आप लोगों का सेशन था, इट वाज अ मार्वलस सेशन, और बहुत अच्छा लगा मुझे. बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर, जो क्वेश्चंस थे हमारे आज, हमें क्वेश्चंस करने में मजा आ गया. तो इस एक हम ऐसा करेंगे, अब हम इस पे जो आपका सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ड है, इस पे मैं अब आपके कुछ मैजिकल क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ठीक है? और इन जो है, इन क्वेश्चंस से अब आप लोगों का जो जितना भी आपका पॉइंट है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? इट्स ओके, थैंक गॉड, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, राइट? तो जल्दी से आप आ जाइए, और बच्चों जो चले गए थे उनको जरा बता दीजिए, राइट? नहीं, बुलेट्स आपको जरूर मिलेंगे, बुलेट्स 100% आपको बुलेट्स मिलेंगे. तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि आज के जो, जहाँ से हमने बुलेट्स निकाली हैं, जहाँ से हमने सर्च करके बुलेट्स निकाली हैं, वो वाले आर्टिकल हैं कौन कौन से, राइट? तो कंप्यूटर जी एक बार हमें ले आइए जरा स्क्रीन के ऊपर. ये हमारा जो है एडिटोरियल पेज है, जिसमें लिखा हुआ है जस्ट रिकम्पेंस, ठीक है गाइज? इसमें लिखा हुआ है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखाता हूं, थोड़ा सा बड़ा करके, ये ले, आई थिंक अभी ये आपको विजिबल हो जाएगा, राइट गाइज? हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अगर हम थोड़ा सा और इसको देखेंगे तो ये आपका जो आर्टिकल है, दैट इज कॉल्ड जस्ट रिकम्पेंस, है ना? कंप्यूटर जी मुझे अगर इस साइड में आप बिठा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. चलिए, बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद है. ये देखिए, इस आर्टिकल में आपको था, ये जो गुजरात राइट्स थे आप लोगों के 2010 के कम्युनल जो पोग्रोम हुआ था, अभी मैं वर्ल्ड को डिस्कस करूंगा उसको, किस तरह से उसमें जो है एक 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 लेडी, ठीक है ना, बिल्किस यकूब रसूल बानो, है ना, ये रसूल बानो से, या बिल्किस बानो के नाम से काफ़ी फेमस थे ये. तो इन्होंने जो है 2002 से लेके आज 2019 आ गया गाइज, 17 साल के बाद जो है एक स्ट्रगल जो है इस लेडी का जो है दिखाया गया है, इस पर हम पूरी बात करेंगे. एक जो आर्टिकल जो है इसके नीचे है, दिस इज कॉमेडियंस ट्रायम्फ. अगर मैं बात करूं तो ये आपको पता लग गया होगा किन के ऊपर बात की जा रही है, वोलोदिमिर जेलेंसकी की, जो कि आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं नए जो, अगर मैं बात करूं, हाँ आप मुझे उसका नाम देंगे जल्दी से, ये प्रेसिडेंट का जल्दी से मुझे कमेंट में एक बार नाम बताइए कौन से वो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है? और जो लास्ट जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? इतना कमेंट में आप लिखिए कि कॉमेडियंस का ट्रायम्फ क्या, हल्का सा आपको पता होना चाहिए बस, बाकी जो टेक्निकलिटीज और हैं इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? एक आर्टिकल आपका गाइज में यहाँ पे है जिसको मैं डिस्कस करूंगा, एंड दिस इज कॉल्ड रिविजिटिंग द इमरजेंसी, ठीक है ना? ये आपका जो आर्टिकल है रिविजिटिंग द इमरजेंसी, इसको मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा. बहुत बढ़िया, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, और इसमें आप देखोगे कि इसमें एक बुक जो है वो आपके थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो बुक जो है उसका जो एक बुक लिखी है आपके, यू कैन से आपके जो इमरजेंसी क्रॉनिकल्स के नाम से है, ठीक है ना? दैट इज़ कॉल्ड इमरजेंसी क्रॉनिकल्स के नाम से जो आपकी बुक है, उसको हमें थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालूंगा जो आपके ज्ञान प्रकाश ने लिखी हुई है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी, जरा एक बार आप हमें ले आते हैं अपनी उसके ऊपर, अपने वर्ड्स के ऊपर, देख लेते हैं आज हम कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो करने वाले हैं. आप लोगों को याद होगा गाइज के वोकैबुलरी जो है, दैट इज़ यू कैन से आपका इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट को आप बिल्कुल भी जो है अपने इतने अच्छे तरीके से इसको कर लीजिए ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको ना आए, ठीक है? और अभी हम जो है चल पड़ते हैं अपने वोकैब के ऊपर, राइट? तो अगर मैं बहुत बात करूँ इसमें, मेरा फर्स्ट जो वर्ड है, जो फर्स्ट वर्ड है मेरा, दैट इज यू कैन से पोग्रोम एक वर्ड है, ठीक है? ओके, बोला तो मेरे जलसंकी. निखिल साहू ने बोला सर मैं नया हूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वेलकम है आपका. और इस वोकैबुलरी के सेशन में गाइज,
मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार बस अपने इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट था थोड़ा सा टेक्निकलिटी जैसे अगर वो चला गया था उसको भी फ्रेंड को अपने को ले आते हैं और उसको भी अच्छी वोकैबुलरी कुछ सिखाते हैं, राइट गाइस? तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। बाकी मैं अगर आपको याद हो तो पोग्रोम अभी मैंने अभी अभी वर्ड डिस्कस किया था कम्युनल पोग्रोम के बारे में, क्या आपका मीनिंग होता है जल्दी से आप मुझे एक बार इसको बता दीजिए। मैं आपके सामने रख देता हूँ, एन एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड किलिंग, राइट? दिस इज यू कैन से एन एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड किलिंग, इसको पोग्रोम बोलते हैं ना। जो आदमी अगर मैं बोलूँ नरसंहार जो होता है ना, उसको आप क्या बोलते हैं? पोग्रोम बोलते हैं। लेकिन मैसेकर, लेकिन कैसा मैसेकर? आपका ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड जो आपका मैसेकर होता है, इसको मैसेकर बोलते हैं, मैसेकर, ठीक है? ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया अश्विनी जी, अच्छी बात है। अगर आप इस तरह से अपने अपने वोकैब को, अगर आप अपने इस तरह से यू कैन से अपनी नॉलेज को अगर इंक्रीज करते चले जाते हो, देखिए अगर आप ये सेशन को आप कंटिन्यू रखेंगे ना, एक तो आपका आपके तीन चार काम यहाँ पे होंगे, मैं आपको बताऊँ। एक तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा देश दुनिया में हो क्या रहा है। अरे सिर्फ एडिटोरियल को पढ़ना क्या आईएएस वाले बच्चों के काम है क्या? क्या आप लोगों का काम नहीं है? आप भी ग्रेजुएट हो, आपके पेपर का नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, या वन डे कोई भी एग्जाम आप आपकी बात करें, चाहे आप उसको एनडीए लो या सीडीएस लो, आप लोग कोई ग्रुप डिस्कशन आप लो, आप लोग आपका ग्रुप एक्स वाई लो या एयरफोर्स का कोई एग्जाम लो, आप कोई भी वन डे एग्जाम अगर आप लोगे, इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है अगर आप इसको ग्रैब कर लेते हो तो इससे अच्छी मेरे लिए और क्या बात हो सकती है। समझ में आया ना फ्रेंड? तो बस बात यह है कि आपका करंट अफेयर आप लोगों का जो है, हल्की फुल्की बात है इसमें हम उसकी कर लेंगे, आपके करंट अफेयर्स की कर लेंगे। हमारा जो सुबह जो है एक शो आता है हमारे डियर कुश सर लेते हैं, कितनी मेहनत से आप गाइज, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक आपको सुबह सुबह करंट अफेयर्स को देना कितनी मेहनत का काम होता है ये मैं जान सकता हूँ, ठीक है ना? तो उन चीज़ों को अवेल कीजिए, रात को एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, बस अपना जब मन करे आप बस पढ़ते रहिए। आज तो भाई आजकल तो कॉल जो आपका इंस्टीट्यूट है उसमें जाने का काम नहीं रह गया, अब तो अपना घर बैठो, खाना खाओ, अपने साथ में चाय कॉफी रखो और अपना आराम से पढ़ लो। समझ में आया ना? तो इसका देखिए जरा क्या मैंने सेंटेंस बनाया है, मैनी अदर पोग्रोम्स हैव अकर्ड रिसेंटली। रिसेंटली जो है बहुत ज़्यादा जो प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके दो ऑर्गेनाइज्ड किलिंग जो हैं, जो मारा मारी है जिसमें कत्ल हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा आपकी धीरे धीरे हो गई हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका मीनिंग है, और ये है आपका रेस्टिट्यूशन। कोई बच्चा मुझे बताए रेस्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? ये होता है पेमेंट मेड फॉर डैमेज और लॉस, लॉस के लिए डैमेज के लिए कोई पेमेंट को करना, ठीक है ना? किसी कोई मुआवजा जो होता है यू कैन से, है ना, लॉस के लिए यू कैन से, अगर मैं बोलूं मुआवजा, यू कैन से, यार मुझे मुआवजा हिंदी में जो है वो लिखना नहीं आएगा, ट्राई करके दोबारा देखता हूं, मुआवजा, ठीक है ना? अब लिख दिया मैंने, है ना, ये मुआवजा जो होता है उसको आप क्या करते हो, पेमेंट मेड फॉर डैमेज और लॉस के लिए जो आप पेमेंट है उसके लिए यूज करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाया है, अब मैं आप लोगों के लिए मेंटल टेंशन किस चीज की भाई? ओके, बहुत बढ़िया निखिल साहू साहब, अच्छी बात है, आप हमारे भी अब स्टूडेंट बन चुके हैं, वेरी गुड। देखिए जरा आप ना इस सेंटेंस को एक बार फटाफट लिख दीजिए, ये सेंटेंस जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है आप मुझे इस सेंटेंस को मुझे लिख के एक बार फटाफट दे दीजिए ताकि मैं ये समझ लूं कि आप लोगों को रेस्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया। बहुत डिफिकल्ट वर्ड लूंगा आज मैं आप लोगों के सामने, ठीक है ना? द केमिकल कंपनी प्रोमिस टू मेक फुल रेस्टिट्यूशन ऑफ द विक्टिम्स, है ना? द केमिकल कंपनी ने क्या प्रोमिस किया है? टू मेक फुल रेस्टिट्यूशन ऑफ द विक्टिम्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जल्दी से एक बार मुझे देख लीजिए, ठीक है? कम ऑन, हरी अप। पेमेंट मेड फॉर डैमेज और लॉस, राइट? ये आपका इसमें आ जाएगा, रेस्टिट्यूशन, रिकवरी। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं, कॉफर्स जो है, अगर मैं बात करूं इस पे, कॉफर्स जो है ये आपका कॉफर जो है, हम इसको लिए किस लिए यूज करते हैं? कॉफर को बताएगा कोई? कॉफर को हम यूज करते हैं किसके लिए? पैसे के लिए, द कॉफर्स। और यू कैन सी अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट कॉफर्स, ठीक है ना, आप ऐसे बोल सकते हो, कंपनीज कॉफर, आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। बस वर्ड को यूज करने का तरीका आना चाहिए, किस तरह से आप वर्ड को यूज कर सकते हैं, समझ में आया ना? उस तरह आप उस चीज को ले लीजिए। अगर देखो मैंने सेंटेंस बनाया, सेंटेंस मैंने क्या बनाया,
यस यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पेमेंट मेड, ठीक है ना, द गवर्नमेंट पेड द विक्टिम फ्रॉम इट्स ओन कॉफर्स, है ना, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो विक्टिम को पेड किया, अभी अभी आपके जो है उस विक्टिम जो है गुजरात गवर्नमेंट ने, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी, गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने विक्टिम को जो है पेमेंट किया, कितने रुपये, 50 लाख रुपये, अगर आप बात करें तो 50 लाख रुपीज जो है गवर्नमेंट ने पे किया, वो उसके अपने कॉफर से पेमेंट किया है, और अदर लगा लो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सजा की तरह जो है उस गवर्नमेंट को ऐसे दिया है कि आप लोग जो है इतना बड़ा जो है ये एक कांड जो है जो आपके स्टेट में हुआ है, और 19 साल लग गए जो है अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, सॉरी 17 साल के बाद जो है आज आप लोगों के सामने देखा कि किस तरह से उस लेडी को जो है न्याय मिला, और न्याय तो क्या, जब जिस जिस शी सैड, अभी हम उसमें आर्टिकल में डिस्कस करेंगे कि मेरे आंखों के सामने जो है 7 मेंबर्स उसकी फैमिली के जो है उनको कत्ल कर दिया गया था, तो इतने बारबेरिक इंसिडेंट भी आपके आपके जो है इसमें सराउंडिंग्स में अगर हुए हुए हैं तो एटलीस्ट उनके बारे में आपको हल्का तो पता होना चाहिए, राइट गाइज, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे चलते हैं। ये कल एक ऐसा ही एक वर्ड आया था, देखूंगा कौन उसको बताएगा, देखेंगे आप लोगों में से पहले इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बताए, आइटनरंट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, आइटनरंट, आइटनरंट मैं बोल देता हूं, 4-5 बार बोल दूंगा आप इसको समझ लेना, आइटनरंट बोलते हैं इसको, आइटनरंट, ओके, तो ये हो गया, इसका मीनिंग क्या है, इसका इसका मीनिंग है ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना, वो चाहे अपने काम के लिए क्यों ना जाता हो, ठीक है ना, काम के लिए अगर मैं बोलूं एक जगह से, ठीक है ना, काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, ठीक है भाई, दूसरी जगह जाने वाला, काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले को हम क्या बोलते हैं, आइटिनरेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आइटिनरेंट, ओके, आई थिंक उसको बोल दोगे यार, बोल दोगे, जल्दी से एक बार जरा प्रोनाउंस करो इसको, आइटिनरेंट प्रोनाउंस करो, आइटिनरेंट, राइट, अब जैसे मैं लास्ट ईयर की बात है, मैं क्या करता था, मैं एक बार दिल्ली में एक क्लास लेता था, फिर मैं हरियाणा में क्लास लेता था, फिर मैं बिहार में क्लास लेता था, यूपी में क्लास लेता था, तो 4 जगह पे मैं घूम घूम के आप बच्चों को पढ़ाता था, यानी कि 4 स्टेट में मैं क्लास लेता था, तो मैंने अगर मैं अपने लिए ये बात बोलूं, या आप लोग भी अगर कोई पुराना बच्चा मेरा देख रहा होगा तो उसको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ ये आइटिनरेंट टीचर भी हम यूज कर सकते हैं इस फ्रेज को, आइटिनरेंट जर्नलिस्ट, ठीक है ना, बात यह कि आप किस तरह से, मुझे आपको वर्ड लर्न कराना है, वो वर्ड अगर लर्न नहीं हुआ, मैं एक वर्ड के ऊपर मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपको ये एक वर्ड आज याद करा गया, वोकैबुलरी की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, वर्ड लर्न नहीं होते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना आपका, और प्रॉब्लम क्या है, आप अगर आपको वोकैबुलरी एक बार आपने पढ़ा, एक बार याद हो जाए, जिंदगी में आपसे ज्यादा फिर सुपर्ब मैन हो कौन सकता है, कोई भी नहीं हो सकता ना, तो इतना थोड़ा सा पेन लीजिए आप, इतना एकदम से ये नहीं आएगा, बार 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 मैं आप लोगों को इस तरह से बताता रहूंगा तो आप अपने दिमाग में ये आ जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं, अगर आपको ये आइटिनरेंट का मीनिंग अगर समझ में आया और आप लोगों को अच्छा लगा तो जल्दी से फिर एक थम्स अप मुझे दिखाइए, ले पहले ही दिखा दिया बच्चों ने, तो क्या बात है सिमी कौर, बहुत बढ़िया, तो जल्दी से एक बार मुझे दिखाइए कि सर मुझे ये समझ में आ गया है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मुझे आगे एक और खतरनाक वर्ड को आपके सामने रखना है, ठीक है गाइस, चलिए जल्दी से, हरियाप, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो वर्ड था ये था इटरेशन, क्या था ये, इटरेशन, इटरेशन क्या होता था, कल मैंने बताया भी था, एज इट इज मैंने लिया है इसको, द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, है ना, इटरेशन, द सॉफ्टवेयर इज ऑन इट्स 9th iteration, सॉफ्टवेयर जो है इस बार कितने में है, 9th iteration में आया हुआ है, आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, तो वो था, ये है आपका इटरेशन, वह आइटरेशन, ठीक है ना, दोनों को आप जो है, ओके, वो कैब कैन बी इम्प्रूव्ड, वेरी गुड अभिषेक, शाबाश, बहुत अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, तो आगे जरा बढ़ते हैं, आगे वर्ड क्या है, आगे जरा देखेंगे, इस वर्ड को आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा वर्ड है, ऑटोप्सी इसका मतलब होता है, पोस्टमार्टम यू कैन से, जो जब आपकी जो आपकी डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी के बाद फिर डॉक्टर्स उसको लेके आते हैं हॉस्पिटल में और उसकी चीरफाड़ करते हैं, उसको ऑटोप्सी बोलते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, आप ऐसे बोल सकते हो, दे परफॉर्म्ड एन ऑटोप्सी, ठीक है ना, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो गाइज, आगे चलते हैं, आगे क्या है, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है आप लोगों का, जिसको हम बोलेंगे क्या, परफंक्ट्री, क्या बोलेंगे इसको, परफंक्ट्री, और परफंक्ट्री का मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होगा इसका अगर आप मुझे बताओगे, तो इसका मीनिंग होता है आपका डन क्विकली, ठीक है ना,
जल्दी जल्दी से करने वाला, जल्दी करने वाला, उसको क्या बोलेंगे, परफंक्ट्री, जल्दी होने वाला। हिज स्माइल वॉज परफंक्ट्री, डन क्विकली, बहुत ही क्विकली, मतलब विदाउट पेइंग एनी अटेंशन, दैट इज डन क्विकली, बिना किसी अटेंशन के, बिना किसी यू कैन से इंफॉर्मेशन के, ठीक है ना, बिना किसी आपके इंफॉर्मेशन के, बिना किसी अटेंशन के, अगर आप कोई काम करते हो, अगर आप कोई काम करते हो तो वो आपका परफंक्ट्री वर्क हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि भाई मुझे जो है ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं और इन 10 क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर बताइए, और योर आंसर्स वर परफंक्ट्री, आप लोगों को कहीं जाना है, आपने क्या किया सर, ए बी सी माता रानी ये वो ब्ला 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 ब्ला, और 10 क्वेश्चन के आंसर दे दिए, तो योर आंसर्स वर क्या, परफंक्ट्री। आई होप यू गॉट द पॉइंट, इज इट क्लियर, समझ में आया, अच्छा लगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ये वर्ड मुझे आपको थोड़ा सा सिखाना था, अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकल वे से लूं तो जरा मैं आपको कैसे बता पाऊंगा। देखो आपने ना एक वर्ड तो जरूर सुना होगा, मैंने आपका मॉड्यूल्स का क्लास भी लिया हुआ है, आई थिंक आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, यूज्ड टू समथिंग, यूज टू एक मॉड्यूल की तरह यूज होता है, समझ में आया कि नहीं, यूज टू क्या होता है, एक मॉड्यूल की तरह यूज होता है, और ये पास्ट की हैबिट को बताता है, ये आपका क्या करता है, पास्ट की हैबिट को बताता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अनयूज टू, देखो जरा, अनयूज टू समथिंग, अनयूज टू का मतलब क्या हो गया, नॉट फेमिलियर विद ए पर्टिकुलर थिंग, किसी चीज से फेमिलियर ना होना, किसी भी चीज से फेमिलियर ना होना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अनयूज टू समथिंग। आई होप यू गॉट द पॉइंट यार, ये इन चीजों को अगर आप थोड़ा सा काम अगर यूनिक सीखोगे ना और उसको प्रैक्टिस कर लोगे, आपके आसपास कोई स्टूडेंट आप जैसा होगा नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर एक इस फ्रेज को मुझे आप तक पहुंचाने के लिए ना जाने कितना रिसर्च का वर्क करना पड़ा होगा, तो अगर आप इसको एज इट इज ले लेते हो, आपको बस ये स्पून फीडिंग तो मैं कर रहा हूं ना, ये अगर आप शुरू शुरू में एक बार कर लेते हो, फिर आप खुद मेरे को आप अच्छे वर्ड्स और अच्छे फ्रेजेस देने लग जाओगे, तो थोड़ा सा इस मेहनत को आप यूटिलाइज कीजिए, आपका एग्जाम, जब भी आपका एग्जाम हो रहा हो, अभी आपका जो है सीपीओ का रिजल्ट आ गया, प्री का आंसर की आ गया, रिजल्ट तो 25th को डिक्लेयर होगा आपका, अभी उस उन बच्चों का अब आपका क्या होगा, मेंस एग्जाम होगा, और उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश 200 नंबर का, ठीक है ना, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद, तो वो बच्चे जो है थोड़ा सा अगर किसी ने दिया हो और जिसको लग रहा हो कि मेरा क्लियर हो जाएगा, तो यार वो अच्छी तरह उनको प्रिपेयर कर लो, आप अपने आप आपके नंबर आ जाएंगे, क्लियर है ना कि नहीं। आई होप यू गॉट द पॉइंट, चलिए शाबाश, थैंक यू खुशी, थैंक यू सैम, इज अनयूज टू गेटिंग अप सो अर्ली, है ना, देखो कई लोग जो हैं सुबह सुबह उठा नहीं जाता, सुबह सुबह कहते हैं कि सर हमें जो है, हम तो क्या करते हैं आपका फोन जो है ना ऑन करके रख देते हैं, कुछ ना कुछ तो सुन ही जाएगा, अब 10 बजे सर कौन उठे, देखो बताओ 10 बजे क्लास होता है और 10 बजे लोग जो है उठते नहीं हैं, तो फिर मैंने सेंटेंस बनाया सैम इज अनयूज टू गेटिंग अप सो अर्ली। आई होप यू गॉट द पॉइंट, इज इट क्लियर, बस आप इस तरह से लिख दीजिए, जितना जल्दी होएगा उतना जल्दी आप जो है सेंटेंसेस को कर लेंगे। आई होप यू गॉट नाउ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही प्यारा वर्ड है, अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए जरा ये क्या है आपका, रेमनिशियंट, ठीक है, क्या वर्ड है ये, रेमनिशियंट, अगर मैं इसको बात करूंगा, रेमनिशियंट, मेकिंग यू रिमेंबर समथिंग, कुछ याद दिलाने वाला, क्या बोलेंगे इसको, कुछ याद दिलाने वाला, इसको रेमनिशियंट बोल देंगे। ये लीजिए मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, याद दिलाने वाला, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, याद दिलाने वाला, ठीक है, रेमनिशियंट, दिस सॉन्ग इज सो रेमनिशियंट, यार ये सॉन्ग जो आप गाते हो ना, इसको मेरे जो मेरी एडोलेसेंस है वो मेरी याद आ जाती है, ठीक है ना, इस तरह से आप इसको बोल सकते हो, जो आपकी एडोलेसेंट होता है, जब आप अडल्ट से आपकी पहले वाली जो एज होती है उसको आप एडोलेसेंस बोलते हो, कोई ऐसा सॉन्ग होगा आप जब यू कैन से 9th, 10th, 11th, 12th जो आपकी टीन एज होती है उसमें जब सुनते होगे तो ये आपको ये सॉन्ग उस एज की आपको याद दिला देता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्लियर, जल्दी से एक बार मुझे लिख के दे दो यार फटाफट, लो ये सेंटेंस जो है वो आप मुझे बना के एक बार दे दीजिए, दिस सॉन्ग इज सो रेमनिशियंट ऑफ माई एडोलेसेंस, दिस सॉन्ग इज सो रेमनिशियंट ऑफ माई एडोलेसेंस, ये गाना जो है मुझे याद दिला देता है मेरी एडोलेसेंस को, क्लियर है, थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग मेरे सेंटेंस को कंपोज करके मुझे वापस देते चले जा रहे हो, इससे अच्छी बात और मेरे लिए कोई नहीं हो सकती है, ठीक है, चलिए अब आप बात करते हैं, कंप्यूटर जी वापस मुझे जरा ले आइए, और बच्चों को ले चलते हैं अभी हम किसके ऊपर, हम ले चलते हैं अभी आपको यू कैन से आपको उसी के ऊपर आपके न्यूज़पेपर के ऊपर, ठीक है, और उसमें देखेंगे हम जो है कि क्या वो था आप लोगों का,
क्या जो था, जो कि जो गुजरात राइट्स में आप लोगों का हुआ था, ठीक है ना। आइए जरा उस पर चलते हैं, एक मिनट बस, मैं अभी अभी आ जाता हूं। देखिए गाइज क्या था, ये देखिए यहां पे हम आ गए हैं। यस यस, कंप्यूटर जी हम आ गए हैं। एक बार जरा दिखा दीजिए बच्चों को, देखिए जस्ट रिकम्पेंस यहां पर लिखा हुआ है क्या आपका, जस्ट रिकम्पेंस। जस्ट का मतलब यहां पर क्या हो सकता है, कोई बताएगा मुझे जस्ट का मतलब यहां पर क्या है? जस्ट का मतलब यहां पर यह नहीं कि अभी अभी के लिए जो यूज होता है, ठीक है ना। जस्ट का मतलब यहां पर जस्टिस से है, क्लियर है, जस्टिस से, न्याय से है, वो जस्ट है आपका। आप लोगों को तो कम से कम जो लिखा हुआ है ना उस चीज को पता होना चाहिए आप लोगों को। जस्ट रिकम्पेंस का मतलब है कि न्यायपूर्ण जो है वो कंपनसेशन मिला हुआ है। आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट। आप जस्ट को मतलब यहां पर क्या है, इस तरह से जो मॉरली अच्छा होता है, मॉरली सुपीरियर होता है, जो राइट होता है, जो फेयर होता है, उसको आप जस्ट बोलते हो, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से 50 लाख रुपीज जो है वो बिल्किस यकूब रसूल बानो को जो है उसमें दिया हुआ था, ठीक है ना गाइज। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये 50 लाख रुपीज जो है आप लोगों को देखिए बिल्किस यकूब बानो को दिया हुआ है। गैंगरेप सर्वाइवर थे, 2002 का जो कम्युनल पोग्रोम है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये कम्युनल पोग्रोम। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा कि कम्युनल पोग्रोम जो है अगर मैंने यूज किया तो किस तरह से जो है, किस तरह से ये यहां पर ये वर्ड यूज हुआ हुआ है। अभी अभी ये वर्ड मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्च 3 मार्च को 2002 को ये जो है इतना हीनियस क्राइम जो है ये अकर्ड हुआ था, और हमारे जो चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई साहब, उसने उन्होंने क्या किया, उन्होंने 50 लाख रुपीज जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है। उसके बाद जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इस आर्टिकल में, जो आप लोगों के फायदे के लिए है, जो SSC के फायदे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए आप देखेंगे, मैं आपको अब लेके चलता हूँ यहाँ पर। देखिए जरा उसमें लिखा हुआ है क्या, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वॉज अमेंडेड इन 2008। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज को नोट कर लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑब्लाइज होंगे अगर किसी विक्टिम के लिए, वो अगर कोई विक्टिम है और वो शिकार हुआ है इस तरह किसी चीज का, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है आपकी वो बाधित है। और ये आपका जो सेक्शन जो था, दैट वॉज 357A, ये 357 सेक्शन ए था जो कि आपके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अमेंड किया गया था 2008 में, और उसके बाद से ये जो है कोर्ट के थ्रू जो है ये आदेश आया था कि भाई स्टेट जो है वो लायबल होगा। बस इतनी बात आप अपनी याद रख लीजिए। अब जो SSC है और जो IAS लेवल है उसमें क्या फर्क हो जाता है, माय डियर फ्रेंड्स, दो मिनट के लिए बस आप मेरी बात समझिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई जो आपका SSC जो वन डे एग्जाम होता है वो आपसे इतना पूछ लेगा कि अभी अभी जो जो केस आया था कैन से बानो का, उसमें जो सेक्शन था वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है हम जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी विक्टिम को पैसा दे सकता है, आपसे भी पूछ लेगा। अगर कोई IAS लेवल का पेपर है उसमें आपसे ये 100 वर्ड पूछ लेगा, इसके ऊपर 100 वर्ड में इसको लिख दो, इतनी सी तो बात होती है। आप लोगों का जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, क्लियर है कि नहीं है, वो थोड़ा सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। बात यह कि आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। अगर आपको यह पता है आज कल परसों, जब हम 15-20 दिन 40 दिन तक जब इस चीज को कर लेंगे, फिर आप लोगों का अपने आप इंटरेस्ट जग जाएगा और फिर आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और अच्छी बातें आप लोगों को लगेंगी, क्लियर है कि नहीं है। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, जो ये कॉमेडियंस ट्रायम्फ है, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, विजय होता है, ठीक है ना, जीत होती है ना, ट्रायम्फ का मतलब, इतना बात तो पता होगा ना। हाँ, अकॉर्डिंग टू वैल्यू एडोक इसको बोलते हैं ना, जो टेम्प्रेरी होता है, ठीक है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये अब इनके लिए कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है, जो यूक्रेन है, यूक्रेन आपको पता है कि किस तरह से रशिया जो है उसका जो आपका क्रीमिया वाला पार्ट था, रशिया ने उसको जो है हड़प लिया था, है ना, क्लियर है कि नहीं है। 2014 के बाद की बात है, सिंस 2014 में जो है रशिया ने उस पर कब्जा कर लिया। अब इतना आसान नहीं है कि कोई आदमी कॉमेडियन है तो वो किसी देश का, अगर मैं बात करूं तो जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, किसी देश के गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, वो इतने आसान नहीं है कि आप उनको टैकल कर लो, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं तो कंप्यूटर जी एक बार मुझे उस पर वापस ले आइए, स्क्रीन पर ले आइए। चलिए मैं बात करता हूँ, आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है गाइज। यस, इसमें देखेंगे अगर हम बात करेंगे, दो मिनट बस आप मुझे दीजिए,
Yes. ये देखिए, अगर मैं बात करूं तो मेरा यहां पे मतलब था, यहां पर ये देखिए, यहां पर आ जाइए कंप्यूटर से दिखा दीजिए। तो 50 लाख रुपीज जो है ना, वो याकूब बानो को उन्होंने दिया था। अब यहां पे बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो आप लोगों का ये वाला जो सिस्टम उसमें बनाया है, अजो सी जो है, एक आपका यहां पे, एक आपका है अजो सी, और यहां पर आपका जो है वो ब्लैक सी है। देखिए यहां पर आपका ब्लैक सी है, बीच में यहां पर एक स्ट्रेट है जिसका नाम जो है वो आप मुझे बताओगे। वो इस स्ट्रेट का नाम जो है वो आप मुझे बताओगे। यहां पर मैं इधर इसको कर देता हूं, डोंट वरी, यहां पर मैं लिख लेता हूं। देखिए ऊपर जो है आपका वो आपका अजो सी है, और यहां पर जो है आपका वो ब्लैक सी है, ठीक है ना गाइज। यहां पर एक स्ट्रेट है। अगर मैं उस आर्टिकल की बात करूं तो ये आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा अभी कि ये बीच में जो स्ट्रेट है ये कौन सी है। लगा लीजिए, आपके लिए एक होमवर्क हो गया। अगर मैं बात करूं उस आर्टिकल के बारे में जो कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, जो आपके जेलेंस्की साहब, उनके लिए चैलेंजेस आ जाएंगे अभी, जियो पोलिटिकल चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, जियो पोलिटिकल चैलेंजेस हैं, और आपके दो दूसरे जो आपके चैलेंजेस हैं ये अब उनके सामने आएंगे। अब बात कहने वाली ये है कि यार, एक आदमी कॉमेडियन है तो क्या वो इतने भारी भारी काम को जो क्या वो कर लेगा। अब ये ऑलरेडी ये वाला जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट के ऊपर भी रशिया ने जो है इसको भी आपने उसने ब्लॉक कर रखा है। तो इतना आसान नहीं होगा किसी भी प्रेसिडेंट के लिए इतने सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करना। तो अब उसको उसको जो है इन प्रॉब्लम्स को जूझने के लिए एक बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल जो आप लोगों की विल है उसकी जरूरत होती है, तब ये काम आगे जाके चलेंगे, वरना तो काम आपका चलेगा नहीं, ठीक है ना गाइज। आगे हम देखें अगर इसमें जो ये इमरजेंसी के लिए जो आर्टिकल आया, रिविजिटिंग द इमरजेंसी, इसमें बस एक एक बुक जो है वो उन्होंने लिखी है, एंड दैट बुक इज, यू कैन से, मैं आप लोगों को बताऊं, उन्होंने लिखा हुआ है कि फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है ना। ये वाली बुक अगर उन्होंने ये वाला जो है आप लोगों को दिया है, रिविजिटिंग द इमरजेंसी, है ना, ये वाला, इस वाले आर्टिकल में जो आप लोगों के ये वाला आर्टिकल जो है इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं यहां पर, देखिए उन्होंने ज्ञान प्रकाश साहब जो है उन्होंने जो बुक लिखी है इमरजेंसी क्रॉनिकल्स, बस आप इतना जो है आप लोग जो है याद कर लीजिए, इतना कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना गाइज। ज्ञान प्रकाश हैं और उन्होंने अपना जो है कौन सी बुक लिखी हुई है, वो इमरजेंसी क्रॉनिकल्स के नाम से लिखी हुई है। आपका जो है बस इतना काम बन जाता है कि आप इस चीज को याद कर लीजिए कि ये इमरजेंसी क्रॉनिकल जो है ये किन्होंने लिखी हुई है, ज्ञान प्रकाश ने लिखी हुई है। इसके अंदर की जो कुछ बातें हैं वो हमें जरूरत नहीं है उनको नोट करने के लिए, बस इतनी सी बात है। आप इस चीजों को अगर सीख लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं आएगी। तो जितना भी अभी मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई हैं, आप इनको बस एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करके आप इनको अपना कोई, आप अगर नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बना लीजिए, आपका काम बिल्कुल अच्छे से चल जाएगा। तो इतनी सी बात के लिए बस मैं आप लोगों को कहूँगा कि जितना वोकैबुलरी सेशन मैंने आप लोगों को अभी बताया, और जो कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको जो सेक्शन बताया, या ये इमरजेंसी क्रॉनिकल्स जो है आप लोग की जो बुक आई है अभी, इसके बारे में बताया, आप इनको बस नोट कर लीजिए और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइज। बस कंप्यूटर जी वापस ले आइए एक बार। तो आई होप आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा होगा, और मुझे कमेंट में जरूर लिखिए गाइज, अपने वोकैबुलरी को आप प्रिपेयर करते रहिए। कल फिर हम आपके 7 o'clock मिलेंगे, और जितना भी स्टूडेंट आप मुझे देख रहा है, आप प्लीज़ उन स्टूडेंट्स को आप बोलिए जाके, जो स्टूडेंट अभी जो सोए हुए हैं, जो यू कैन से आपने इंतज़ार कर रहे हैं अभी कि भाई जब कब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे, आप लोग उनसे कहीं आगे निकल जाओगे। अगर आप उनके साथ में आके हम पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छा, बहुत सारे ज़्यादा बच्चों को हम लोग जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है गाइज, उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।